सो हेलो गाइस, वेलकम विद अनदर वीडियो ऑफ विजय जी इफेक्ट्स। और गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग इंडिपेंडेंस डे के लिए एक ओपी सा थंबनेल बना सकते हो। सो, इस टॉपिक के लिए गाइस आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था। सो, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो, अगर आप लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें आ जाना है PSCC एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पे गाइस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ जाना है, एंड जो थंबनेल का साइज रहता है वो गाइस आपको यहाँ पे लिख लेना है, देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो आपको एक बैकग्राउंड लेके आ जाना है जो कि आपको इस पैक में मिल जाएगा, एंड इसको ले आने के बाद में गाइस आपको एक कैरेक्टर को लेके आना है। सो, मैं उसको लेके आ जाता हूँ, एंड इसको ले आने के बाद में गाइस आपको इसको एकदम सेंटर में सेट कर देना है। सो, ये एकदम 3D मॉडल है जिसको इस मैंने खुद से बनाया है। सो, पेंसिल वाले टूल पे जाके आपको इसके सेलेक्ट पिक्सल कर लेने हैं, एंड एम्प्टी लेयर आपको बना लेनी है। देन आपको क्या करना है गाइस, आपको एंड वाले टूल में आ जाना है, एंड यहाँ पे आने के बाद में आपको फिल एंड स्ट्रोक में आ जाना है। देन यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टाइप वाला, सो वहाँ पे क्लिक करके आपको स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे डन कर देना है, एंड इसके बाद में गाइस आपको करना है आपको पेंसिल वाले टूल पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको एक एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सो आप लोग उस पर क्लिक कर देना। एंड इसके बाद में गाइस आपको आ जाना है ग्लो वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट करके डन कर देना है। देन इसके बाद में आपको अगेन आना है ग्लो वाले ऑप्शन में, एंड जो ब्लर का अमाउंट रहता है उसको आपको 80 कर लेना है, एंड अब गाइस आपको यहाँ पे डन कर देना है। सो, कैरेक्टर पे गाइस ग्लो तो आ चुका है, लेकिन अब हमको जो ये स्ट्रोक है इसका गाइस हमको कलर चेंज करना है। सो, इसके लिए एक बैकग्राउंड को गाइस आपको लेके आना है यहाँ पे, एंड नीचे वाली जो लेयर है उसके सेलेक्ट पिक्सल करने हैं आपको। सो, आपको पेंसिल वाले टूल पे आके इसके सेलेक्ट पिक्सल करने हैं, एंड ऊपर वाली लेयर में आके आपको पेंसिल वाले टूल पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको एक्सट्रैक्ट वाला एक बटन मिल जाएगा। सो, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोग देख सकते हो जो ग्लो वाली लेयर है उस पर गाइस हमारा जो कलर है वो आ चुका है। सो, आपको ओवरले करके इसकी डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है, एंड इसके बाद में गाइस आपको इसको मर्ज डाउन कर देना है। एंड जैसे कि आप मर्ज डाउन कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो जो कलर है वो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आ चुका है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। सो, अब गाइस आपको फेड वाले ऑप्शन में आ जाना है, एंड फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके जो नीचे से सर्कल है उसको ऐसे आपको ऊपर की साइड ले जाना है, एंड आपको इसको थोड़ा सा नीचे सेट कर देना है। एंड इसके बाद में गाइस हमें ऊपर वाली लेयर पे आ जाना है, एंड अगेन आना है हमें फेड वाले ऑप्शन में। देन यहाँ पे जो हमारा फेड था वही रहने देना है, एंड यहाँ पे आपको डन कर देना है। एंड इसके बाद में गाइस आपका जो भी टाइटल रहता है आपको उसको लेके आ जाना है, एंड टाइटल ले आने के बाद में गाइस आपको उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, एंड बीच में एकदम सेट कर लो। देन आपको एक सिलेक्शन ड्रॉ करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, एंड लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर लेना है। देन नीचे वाले लेयर पे आके आपको पेंसिल वाले टूल पे आ जाना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको सिंपल सा क्लियर कर देना है। देन आप लोग देख सकते हो आपका जो टेक्स्ट है वो अलग अलग लेयर में आ चुका है। सो, ग्रेडियंट के लिए गाइस मैं आपको एक कलर जो कलर प्लेट है इसको इसमें आपको पैक में दे दूंगा, सो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। एंड इसके बाद में गाइस आपको जो टेक्स्ट है उसके सेलेक्ट पिक्सल कर लेने हैं, एंड हमें आ जाना है ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में। एंड ये जो ग्रेडियंट है ये गाइस मैंने पहले से बना के रखा है, सो आप लोग कलर सेलेक्ट करके बना लेना। एंड अगर आप लोग को बनाना नहीं आता तो आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे गाइस आपको ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। सो, ग्रेडियंट बनाने के बाद में गाइस आपको टेक्स्ट वाली लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है, एंड आपको नीचे वाले लेयर में आके आ जाना है फिल एंड स्ट्रोक में। देन यहाँ पे गाइस आपको व्हाइट कलर से आपको फिल कर देना है। देन यहाँ पे आपको पेंसिल वाले टूल पे जाके डी सेलेक्ट कर देना है। देन आपको ट्रांसफॉर्म में आ जाना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको एक एक्स्ट्रास वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सो आप लोग को वहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको पिक्सल नज में आने के बाद में आपको लेफ्ट साइड की तरफ 8 से 9 बार टैप करना है, एंड नीचे वाली जो लेयर है उसके ही आपको सेलेक्ट पिक्सल करने हैं, एंड ऊपर जाके पेंसिल वाले टूल पे आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको एक्सट्रैक्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपका टेक्स्ट बन चुका है। सो, अब गाइस आपको इसको नीचे वाली लेयर के साथ में मर्ज डाउन कर देना है, एंड इसके बाद में आपको टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे एक एम्प्टी लेयर को बना लेना है, एंड ग्रेडियंट को आपको डिलीट कर देना है। सो, इसके बाद में जो गाइस ये मार्गी सिलेक्शन टूल है इससे गाइस आपको मतलब सिलेक्शन बनाना होता है। सो, इसको सेलेक्ट करके आपको सिलेक्शन बना लेना है। एंड इसके बाद में गाइस आपको आना है फिल एंड स्ट्रोक में, एंड यहाँ पे गाइस आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है उसका भी कलर गाइस ब्लू है। देन आपको HSV में आ जाना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको एक ब्राइटनेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सो, आप लोग को जो करना क्या है, जो ब्राइटनेस का साइज है उसको सबको 5% कर लेना है जिससे कलर एकदम डार्क हो जाए। एंड आपको आ जाना है एंड वाले टूल में, एंड यहाँ पे आपको फिल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके आपको राइट साइड की तरफ टेक्स्ट में फेड देना है, एंड इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे डन करना है। देन आपको अगेन आना है फेड वाले ऑप्शन में,
एंड कॉर्नर में गए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि थीम टाइप का रहता है, सो आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे फोर लाइंस देखने को मिल जाएंगे, सो वहाँ पे क्लिक करके आपको रिवर्स स्पॉट को सिलेक्ट कर लेना है। देन लेफ्ट साइड की तरफ भी फेड दे देना है एंड ऊपर वाली लेयर पे आपको आना है एंड नीचे वाली लेयर के साथ में इनको मर्ज डाउन कर देना है। देन इसके बाद में कैसे आपको करना क्या है, आपको आ जाना है ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में एंड जो एक्स्ट्रास वाला ऑप्शन है इस पर कैसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे कैसे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉग एस्पेक्ट रेशियो, सो इसको कैसे आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको कैसे आपको एकदम पतला कर लेना है। एंड इसके बाद में कैसे आपको एक्स्ट्रास पे क्लिक करके लॉक एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक जरूर से करना है, अगर आप लोग उस पर क्लिक नहीं करोगे तो आपका टेक्स्ट पूरा बिगड़ जाएगा, सो उसको कैसे आपको कर लेना है। एंड इसके बाद में जो आपका टेक्स्ट है इसको कैसे आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में कैसे आपको टेक्स्ट के ऊपर एक एम्प्टी लेयर को बना लेना है। एंड आपको गाइस आ जाना है पेन टूल वाले ऑप्शन में, मतलब ब्रश वाले ऑप्शन में आ जाओ एंड कलर गाइस आपको ब्लू सेलेक्ट कर लेना है एंड जो इसकी सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस है दोनों को गाइस आपको 100% कर देना है। एंड ब्रश के साइज को आप टेक्स्ट के हिसाब से रख सकते हो एंड जहाँ पे भी गाइस आपको ग्लो देना है आप लोग को वहाँ पे सिंबल से टैप कर देना है। एंड इसके बाद में गाइस आपको एफएक्स पे क्लिक करना है एंड आपको आ जाना है गॉसम ब्लर में एंड जितना गाइस आपको ग्लो देना है उतना आप लोग ब्लर के अमाउंट को रख सकते हो। एंड इसके बाद में इसकी ब्लेंडिंग मोड को लीनी डॉज कर देना है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ चुका है, सो मैं अगेन जाऊँगा गॉसम ब्लर में एंड अगेन इसको ब्लर दे दूंगा। अब गाइस काफ़ी सही है, सो जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उस पर गाइस आपको क्लिक करना है एंड इसको इसमें थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। एंड इसके बाद में गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइस हम तीन कलर्स देने हैं, मतलब पहले इसको अलग अलग लेयर में कर लेना है, सो आपको एक सिलेक्शन ड्रॉ करना है एंड लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेना है। देन नीचे वाले लेयर पे आपको आ जाना है एंड पेंसिल वाले टूल पे क्लिक करके गाइस आपको इसको अलग लेयर में कर लेना है। एंड इसके बाद में बाकी के जो टेक्स्ट हैं उनको भी गाइस आपको सेम इसी तरीके से कर लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद में जो आपका फर्स्ट वाला टेक्स्ट है उसके गाइस आपको सेलेक्ट पिक्सल करने हैं एंड आपको आ जाना है फिल एंड स्ट्रोक में एंड इन तीनों टेक्स्ट पे गाइस हम फ्लैग के हिसाब से कलर देंगे। सो हमारा जो फ्लैग होता है गाइस उसमें जो फर्स्ट कलर होता है वो गाइस ऑरेंज होता है, सो मैं कलर उसमें से ही सेलेक्ट कर लूँगा एंड HSV में आने के बाद में जो ब्राइटनेस है उसको फुल कर दूंगा, सो हमारा ऑरेंज कलर हो चुका है। एंड सेकंड वाला कलर व्हाइट होता है जो कि गाइस पहले से है, सो हम थर्ड वाले पे आएंगे एंड वो कलर गाइस ग्रीन रहता है, सो हम सिंपल सा कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे पहले से ग्रीन है सो यहाँ पे गाइस मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एंड फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे आ जाना है आपको, देन तीनों लेयर्स को आपको एक साथ में मर्ज डाउन कर देना है एंड आपको आ जाना है FX वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे गाइस आपको ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करके डन कर देना है एंड अगेन आना है ड्रॉप शैडो में एंड इस बार जो ब्लर का साइज है उसको गाइस आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड जो आपका टेक्स्ट है वो गाइस एकदम रेडी हो चुका है, सो अब गाइस आपको इसको सही कर लेना है, मतलब जहाँ पे आपको सेट करना है वहाँ पे गाइस आपको कर लेना है। देन आपको आ जाना है बैकग्राउंड में, मतलब सबसे नीचे वाले लेयर पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद में गाइस आपको एक लाइट पैक की PNG को लेके आना है, सो ये आपको पैक में मिल जाएगी एंड इसको गाइस आपको लीन डॉज कर देना है। एंड इसके बाद में गाइस आपको एक और PNG को लेके आना है जो कि गाइस हमारे फ्लैग में रहता है, इसको गाइस आपको लेके आना है। एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद में गाइस आपको इसको आपके कैरेक्टर के एकदम सेंटर में लगा देना है, सो इसको इस मैंने लगा दिया। देन जो इसकी ब्लेंडिंग मोड है उसको इस आपको ओवरले करना है एंड जो उसकी ओपेसिटी है उसको इस आपको 45% कर लेना है। देन आपका जो कैरेक्टर है आपको उस वाली लेयर में आ जाना है क्योंकि हमको कैरेक्टर में थोड़ी सी ड्रॉप शैडो को देना है एंड ड्रॉप शैडो गाइस आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सो एंगल को गाइस आप जैसा मैं रख रहा हूँ सिंपल सा आप लोग वैसा ही रखना, सो एंगल को गाइस आपको 198 डिग्री कर लेना है एंड जो डिस्टेंस है इसको गाइस आपको 15 कर लेना है, सो 15 काफ़ी ज़्यादा कम है सो इसको 35 कर लेते हैं। एंड जो इंटेंसिटी है इसको गाइस आपको 19 कर लेना है एंड इसके बाद में करना क्या है, जो एंगल है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया है सो इसको गाइस हम 215 डिग्री कर लेंगे, सो 215 डिग्री आपको कर लेना है एंड आपको यहाँ पे डन कर देना है। देन इसके बाद में गाइस आपको और PNG को लेके आ जाना है एंड इस वाली PNG को गाइस आपको सेट कर देना है एंड इसके बाद में आपको एक और PNG मिल जाएगी, सो इसको भी गाइस आपको लेके आना है। एंड जो इसकी ब्लेंडिंग मोड है इसको गाइस आपको लीन डॉज कर देना है, देन आपको अगेन एक और PNG को लेके आना है एंड ये वाली PNG हमारी लास्ट PNG होगी, सो इसको गाइस आपको लेके आ जाना है। एंड ये जो फ्लैग है गाइस वो हमारे दोनों साइड लग चुके हैं एंड अब गाइस आपका जो थंबनेल बन चुका है सो आपको इसको सेव कर लेना है। एंड इसके बाद में गाइस आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाना है एंड इस वाले थंबनेल का प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी एंड पेस्ट कर देना, सो आपका जो कलर ग्रेडिंग है वो मेरे थंबनेल के जैसा हो जाएगा। सो अगर आप लोग यार वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को शेयर जरूर से कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड कमेंट में गाइस आप लोग बता सकते हो आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो गाइस मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।